देवरिया से हैं सर। सर आप किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? हम आए हैं, हमारा ये 25 जुलाई को जो है हम लोग का समायोजन जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने हमारा समायोजन रद्द कर दिया है और इस मांग को लेकर के हम 26 जुलाई से अनवरत धरना कर रहे हैं। माननीय योगी जी ने हमको 15 दिन का आश्वासन दिया, फिर 3 दिन का अल्टीमेटम लिया और उन्होंने कुछ नहीं किया और ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इनका धरना समाप्त हो जाए। आपसे बता देना चाहता हूँ, खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि ये शिक्षा मित्रों का धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमारा समायोजन जो है पुनः वापस हमारा मान सम्मान वापस नहीं होता है। मैं मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ, आपने जो बनारस में वादा किया था इसको आप पूर्ण करेंगे, मुझे विश्वास है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप चाय बेचने वाले थे, चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री हो सकता है तो क्या हम BTC करने वाले क्या कि इनको क्यों अयोग्य घोषित किया जा रहा है? हम जो BTC किया है हमारा जो है 17 साल का जो है आप समय वापस कर दीजिए, हम जो है पुनः जो है अपने पद को पाना चाहते हैं। और माननीय योगी जी आप हमारे ऊपर तर्क करिए, अंदर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। हमने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है इसको जो है आप वापस नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि आपकी सरकार 17 साल वापस नहीं है। आप लोग किसके इसके बारे में कहते रहे कि मैंने वनवास झेला है, तो योगी जी मोदी जी अब इनको शिक्षा मित्र को वनवास भेजने का काम न करे, अन्यथा सर को बम उतर जाएंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। जल शिक्षा मित्र, जल समाज। योगी जी और मोदी जी ने कहा था, योगी जी जब वोट मांग रहे थे कह रहे थे कि मैं अब वनवास मेरा खत्म हुआ, ये शिक्षा मित्र कोई ही मित्रों की ही देन थी, सहायक अध्यापकों की ही देन थी। आज उनको इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है कि आज वो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए और जानकारी लेते हैं।